मेरा नाम ब्लैड है। क्या मैं टिन और डैन से बात कर रहा हूँ? हमेशा सावधान, हमेशा तैयार। क्या है आपकी इमरजेंसी? हमें कोई नई तरह की हॉरर फिल्म बनानी है, क्योंकि अब कोई नई कहानी नहीं बची और उन्हें देखना कोई पसंद नहीं करता। हाँ? आजकल डरावनी फिल्में बिल्कुल डरावनी नहीं होती। क्या तुमने डरावने जंगल देखी है? नहीं। घास के मैदान की चीर फाड़, ज़ॉम्बी ज़ेब्रास, भूतहा गुफा, मुझे लगा ही था। पर सब मेरी नई फिल्म जरूर देखेंगे। आप एक फिल्म बनाने वाले हैं? हाँ, वो आज तक की सबसे बढ़िया हॉरर फिल्म होगी। हम आज ही उसे फिल्माने वाले हैं, पर उसके लिए मुझे अपनी हीरोइन ढूंढनी है। फिक्र मत कीजिए, हम मदद करेंगे। अरे बगा काबुली अभिनंदन। सही कहा टिन, टिन और डैन का एक और मिशन, और वो भी काफी फिल्मी। बहुत ज्यादा हो गया। अगला डायरेक्टर्स टीन एंड टेन, आखिरकार डायरेक्टर ब्लैड तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ आए। ऑडिशन शुरू हो चुके हैं, हमें अपने फिल्म के लिए हीरो चाहिए, जल्दी से। हाँ? लो, ये रही तुम्हारी लाइंस, याद कर लो। गुड, बहुत ज्यादा बुरा है। अगला पर... चलो, हमारे पास वक्त कम है। टेक वन, बेटर बो। What's up, girls? Good, बहुत ज्यादा प्यारा है। अगला। Take two, Twig Giraffe. नहीं, मेकअप करवाए बिना मैं एक भी शॉट नहीं दूंगी। ओके। Good, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। अगला। Take three, Eric the Hedgehog. ये रहा Eric. Good. डायरेक्टर का असिस्टेंट ऑडिशन में हिस्सा नहीं ले सकता है। अगला। चलो, हमारे पास वक्त कम है। टिन और डैन, आखिरकार। देखते हैं ये कैसे करते हैं। टेक फोर, टिन और डैन। और एक्शन। ये जिंदा है, ये जिंदा है। ओह नो, ये तो टिंकेनस्टाइन है। बहुत डरावना राक्षस। नहीं नहीं और नहीं, कट। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक भी एक्टर नहीं है। मुझे अपनी फिल्म के लिए नया चेहरा ढूंढना ही होगा। काश हमें पता होता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आजी कोला आजी बगा बिग बुक याद रहेगा। बढ़िया आइडिया है टिन। लाइफ की बड़ी बुक में हमें बैट्स के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना? सब तैयार है? यहाँ लिखा है कि बैट्स को उल्टा लटक कर खाना और सोना पसंद होता है। इस जानकारी से काफी कुछ समझ आ रहा है ना? और ये इकलौते मैमल्स होते हैं जो उड़ सकते हैं और दुनिया के सारे महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। ये सच है, मैं एक बहुत ही विशाल परिवार का हिस्सा हूँ। बैट्स रात में जागते हैं। मुझे हमेशा से रात का वक्त सबसे अच्छा लगता है। उनकी नजरें तो तेज होती ही है, पर उनकी सुनने की शक्ति भी काफी तेज होती है। सुनना, यही तो है। व्लैड, अगर तुम सच में नई हॉरर कहानी चाहते हो तो उसे अपनी आंखों से नहीं बल्कि कानों से देखो। मेरे कानों से? बिल्कुल, कोशिश करके देखो। ओह, और ये अजीब आवाज, ये कहाँ से आ रही है? हाँ? कुकू कुकू। फिर से वही, मुझे खास इसी की जरूरत थी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? सच बताओ हेजहॉग, बीच रात में तुम इस पेड़ के आसपास क्या कर रहे थे? मैंने बताया ना, मैं यहाँ रहता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम फिर से कोशिश करो। मुझे जाने दो यहाँ से। ओह, यकीन नहीं होता, ये तो शानदार है। हे, तुम वापस आओ हेजहॉग। वो आवाज, वो टोन, वो अंदाज। हाँ?
आखिर तुम मिल ही गई। ये रोल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। किया तुम्हारी फिल्म की हीरोइन होगी क्या? अगर वो राक्षस का पार्ट करने को तैयार हो जाए तो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फिल्म की हीरोइन बनूं और राक्षस भी बनूं? ठीक है मिस्टर डायरेक्टर, मैं अपने क्लोजअप के लिए तैयार हूँ। यस, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैं वादा करता हूँ कि आज तक की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्म होगी। चलो कम से कम इस फिल्म की तो हैप्पी एंडिंग हो गई। हेलो, क्या मैं टिनोर डैन से बात कर रही हूँ? हमेशा सावधान, हमेशा तैयार। आपकी इमरजेंसी क्या है? मेरा नाम रेनबो है और मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी। आपसे मिलकर खुशी हुई रेनबो। आपके जैसे नन्हे सफेद घोड़े की मदद करके हमें खुशी होगी। मैं कोई छोटा सफेद घोड़ा नहीं हूँ। अच्छा तो फिर कौन हो? मैं एक शानदार यूनिकॉर्न हूँ। अच्छा ठीक है, तो इमरजेंसी क्या है? किसी को ये एहसास नहीं होता। जब मैं किसी को बताती हूँ कि मैं यूनिकॉर्न हूँ तो कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता और मजाक उड़ाते हैं। वही तो बात है, तुम घोड़े जैसे दिखते हो। पर अंदर से मुझे पता है कि मैं एक शानदार यूनिकॉर्न हूँ। टिनोटन, यूनिकॉर्न जैसा दिखने में मेरी मदद करो ना। फिक्र मत करो, हम मदद करेंगे। सही कहा टिन, टिन और टैन के लिए एक और मिशन, वो भी काफी रंग बिरंगा। हेलो, मेरा नाम रेनबो है। मैं हमेशा से तुम्हारे जैसे यूनिकॉर्न से मिलना चाहता था। सच में? हाँ, यूनिकॉर्न्स बहुत ही अनोखे जीव होते हैं। ओ बस करो, मुझे शर्म आ रही है, हम शर्मीले भी होते हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है। रेनबो, टिनोटन, तुम आ गए। सही कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। शानदार, तो कहाँ से शुरू करें? शायद एक नया हेयर कट या फिर नए कपड़े या एक नई आवाज। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत जरूरी चीज भूल रहे हैं। अरे हाँ, देखते हैं लाइफ के बड़े बुक में क्या लिखा है। सब तैयार है? यूनिकॉर्न्स ख्याली जीव होते हैं जो एक सींग वाले सफेद घोड़े जैसे दिखते हैं। सर पर एक सींग? मुझे पता था कुछ तो कमी जरूर है। यूनिकॉर्न्स ख्याली जीव होते हैं जिनके ऊपर कई कहानियां और किस्से बने हुए हैं। मुझे फिल्मी दुनिया भी अच्छी लगती है। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यप्पी, यूनिकॉर्न पावर। और उनके सींग दवाई का काम करते हैं जिससे हर तरह के घाव ठीक हो जाते हैं। शानदार, ये साफ है कि एक सही यूनिकॉर्न बनने के लिए मुझे चाहिए होगा एक सींग। सही कहा रेनबो, काम पर लग जाओ। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी। ये नामुमकिन है, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे हम सींग बना सकते हैं। बिल्कुल, हमें ऐसी चीज चाहिए जिससे तुम्हारे सिर पर सींग उग जाए। चलो ऑक से पूछते हैं। ऑक, ऑक, तुम कहाँ हो? हेलो चिन, हेलो चैन, हेलो जॉर्ज, हेलो सफेद घोड़े। रेनबो सफेद घोड़ा नहीं है, ये एक यूनिकॉर्न है। तो तुम्हारा हॉर्न कहाँ है? इसीलिए हम यहाँ आए हैं, हमें कुछ चाहिए। और कुछ मत कहना, मेरे पास वही है जो तुम्हें चाहिए। मैं पेश करता हूँ मेरा सबसे नया आविष्कार, अनोखा, शानदार और बेहतरीन हॉर्न ग्रोइंग लोशन ओकोम पोटे। सिर्फ एक बूंद अपनी चमड़ी पर और देखो, तुम्हें वो सिंग मिल जाएगा जिसका तुम सपना देखती थी। किसने कहा था कि एक शानदार यूनिकॉर्न बनाना इतना आसान होगा? चलो कोशिश करते हैं। लगाते वक्त तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। सब लोग तैयार? तो चलो। एक और बार। Ah!
एक और बार। इसे मुझे दो। शायद फॉर्मूला में कुछ बदलाव करने होंगे। इस तरह से तो मुझे अपना सींग कभी भी नहीं मिलेगा। मलाला, बढ़िया आइडिया टिन। मलाला को पता होगा क्या करना है। मेरे नन्हे टिन और टैन, और ये छोटा सा सफेद घोड़ा कौन है? मलाला रेनबो एक यूनिकॉर्न है, पर चूंकि उसके पास सींग नहीं है, कोई उसे सीरियसली ही नहीं लेता। अच्छा, तो अगर तुम खुद को यूनिकॉर्न समझते हो तो किसी और की बात क्यों सुनते हो? पता है, पर सींग के बिना काफी मुश्किल हो जाता है। अपने दिल की आवाज सुनो नन्हे रेनबो। याद रखो, हम वही हैं जो हमारे सपने हैं। मुझे समझ नहीं आया, मलाला ने सींग के बारे में तो कुछ नहीं कहा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! ये टहनी मेरे पैर पर गिरी और मैं फंस गई। हिलना मत। आउच, मेरी टांग पर चोट लग गई। हो गया, बिल्कुल नहीं जैसा। रेनबो, तुम सच में एक यूनिकॉर्न हो। हाँ, मेरा सींग हो गया। सींग से कोई फर्क नहीं पड़ता रेनबो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और तुम घाव को ठीक कर सकते हो। तुम हमेशा से यूनिकॉर्न ही थी। एक शानदार यूनिकॉर्न।